ब्यावर के अस्पताल रोड स्थित जय क्लिनिक एंड नर्सिंग होम में उपचार के दौरान लापरवाही बरतने और उपचार के दौरान रोगी के साथ बेरहमी के साथ पेश आने का मामला सामने आया। मामले को लेकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने सिटी थाने में अस्पताल प्रशासन के खिलाफ लिखित शिकायत दी। शिकायत में अस्पताल प्रशासन के खिलाफ मामला दर्ज कर दोषियों को गिरफ्तार करने और उन्हें सजा दिए जाने की मांग उठाई गई। आपको बता दें कि चर्च रोड हरिजन बस्ती निवासी वीरेंद्र पंडित की 4 साल की पुत्री कनक पंडित दीपावली के दिन फटाखे चलाने के दौरान झुलस गई। हादसे के बाद परिजनों ने उसे एके चलाकर भर्ती करवाया। उसके बाद परिजन उसे दुर्लभ जी अस्पताल जयपुर ले गए और वहां पर उपचार भी करवाया। सिटी थाने में दी गई शिकायत के अनुसार 17 नवंबर को जयपुर में उपचार के दौरान परिजनों ने जय क्लिनिक एवं नर्सिंग होम के चिकित्सक तेजपाल घासल और अस्पताल के कर्मचारी आनंद छपरीवंत से फोन पर कंसल्ट करते हुए बच्चे की स्थिति के बारे में जानकारी दी, जिस पर डॉक्टर तेजपाल घासल ने बच्चे की स्थिति को नॉर्मल बताते हुए ब्यावर लाने की बात कही। इस पर परिजनों ने कनक को 18 नवंबर को जय क्लिनिक एवं नर्सिंग होम में लाकर भर्ती भी करवाया। करीब 20 दिन तक चले उपचार के बाद 12 दिसंबर को चिकित्सकों ने कनक को छुट्टी देकर घर भी भेज दिया। घर पर जाने के बाद 13 दिसंबर को कनक की मृत्यु हो गई। कनक की मृत्यु के बाद परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार के दौरान कनक के शरीर से हुई अत्यधिक ब्लैडिंग के कारण परिजनों के मन में कुछ शंका हुई। शुक्रवार को तीसरे की रस्म के बाद कनक के परिजन और समाज के लोग जय क्लिनिक पहुंचे। अस्पताल से सीसीटीवी कैमरे फुटेज प्राप्त किए गए। अस्पताल से लिए गए फुटेज में अस्पताल में उपचार के हैरतअंगेज फुटेज मिले। सीसीटीवी फुटेज में कनक के उपचार के दौरान नर्सिंग स्टाफ अमानवीय तरीके से पेश आते हुए दिखाई दिए। इस पर परिजन आक्रोशित हुए। आक्रोशित परिजनों ने सिटी थाने पहुंचकर थानाधिकारी हनुमान राम से मुलाकात करते हुए सारा घटनाक्रम बताया। जय क्लिनिक एवं नर्सिंग होम के खिलाफ लिखित शिकायत दी गई। थाने में दी गई शिकायत के बाद परिजन जिला कलेक्टर कार्यालय में पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी पीड़ा बताते हुए कठोर कार्रवाई करने की मांग की। इसके बाद परिजन और वाल्मीकि समाज के लोग जय क्लिनिक नर्सिंग होम के बाहर कनक की फोटो लगाकर धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे लोग अस्पताल प्रशासन के खिलाफ और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। साथ ही इसके अभाव में समाज की ओर से उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। उधर सुरक्षा की दृष्टि से अस्पताल के बाहर सिटी थाने का जाब्ता भी तैनात किया गया। ड्रेसिंग कर रहे हैं बस बाहर जाओ, हम लोग वो बाहर निकालते हैं। मैं कहती भी थी मैं रुकना चाहते हैं, हम अपनी बच्ची के पास में, वो रोएगी तो बोलते हैं नहीं बाहर जाओ। तुम्हें देख के ज्यादा ये ना वो करती है, तुम्हें देख के ज्यादा रोने लग जाती है। किसी घर वाले को खड़ा भी नहीं रहने देते थे वहाँ पर। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को न्याय चाहिए। मेरी 4 साल की बच्ची को खोया है मैंने, बहुत नाजुक से पाला है उसको। सर मामला क्या है कि हमारी मिट्टी के मेरी दोस्ती थी वो क्या ना जल गई थी, तो फिर हमने इसको वहाँ दुर्लभ जी में भर्ती करा दी। दुर्लभ जी से हमने 8-10 दिन वो यानी उसको भर्ती रखा। ये अपने यहाँ एक वो है अपने वो क्या बोलते आनंद भैया, आनंद भैया को हमने बुलाया। आनंद भैया ने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप ले आओ जय क्लिनिक में, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम लेके आ गए, हमने 18 तारीख को उसको जो भर्ती करा दी वहाँ पर जय क्लिनिक में। जय क्लिनिक में बिल्कुल सही से चल रही थी, बिल्कुल इलाज भी सही बिल्कुल यानी कि चल रहा था आराम से। रोड डेली हम हमारी वीडियो कॉलिंग में बातें करती थी। मेरी पोती के सामने इन्होंने ये बोला मेरे वो क्या यानी मेरे हमारे जमाई किन ने बोला कि साहब छुट्टी कब दोगे, कभी तो 1.5 महीने तक ये बोले यहीं रहेगी। हॉस्पिटल वालों ने बोला हाँ 7-8 तारीख की बात है इसी की। उसके बाद तुरंत इन्होंने 9 तारीख की पट्टी करी। अभी मैं देख के आया हूँ बिल्कुल पट्टी में कहीं भी वो नहीं है, एक्यूरेट है। जब इन्होंने 11 तारीख की पट्टी करी तो एक तो वो था, मैं उसका नाम तो जानता नहीं हूँ, बोछोरा विनोद प्रजापति है और हाँ और 3 थी कंपाउंड ने। वो आई उसकी पट्टी खोलने लगी तो एक होता ब्लेड से, एक तो ब्लेड से ये होता कि ऐसा करके ऐसा चीरा उसने, एक तो चीरा मारा ये यहाँ से पूरी वो गई और एक चीरा यहाँ। उसके बाद में वो जो था विनोद, उसने मतलब मेरी दोस्ती को हाथ यूँ करे और एक चाटा यहाँ दिया मेरी दोस्ती को यहाँ से पकड़ के और यूँ उठा करके उसी ने पट्टी करवा रहा और फिर यहाँ की जो होती है ना पट्टी उसको यूँ उठा करके यूँ खींचा बिल्कुल। उस समय वो बच्ची होश में थी जब ये हरकत हो रही थी। बिल्कुल बिल्कुल सर होश में थी, रो रही थी और उसको ऐसा कर रहा था वो। और सर मैं बिल्कुल कहीं भी झूठ नहीं, आप सर देख ले बस। फिर उसको मारा उन्होंने तुरंत 11 तारीख की ये है ये घटना। इन्होंने तुरंत क्या करा 12 तारीख को खुद ही दोबारा पट्टी करके और जो बच्ची को छुट्टी दे दी, इसको घर लेके गए। रुकी नहीं रही थी, ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं रुकी ना, यहाँ की 13 को हम घर लाए, 13 तक उसके ब्लीडिंग हो रही थी। तो
9:15 13 तारीख को बच्ची, ये मेरी जो बच्ची का हाथ में थी कि मेरे विशाखा यहाँ दर्द हो रहा, विशाखा मेरे यहाँ दर्द हो रहा, इन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि इस केस को यहाँ से फाड़ दिया। फिर उसके थोड़ी देर बाद में भैया आए, पट्टी में लपेट के दिया था, लपेट के दिया था यहाँ तक पूरा। सिद्धार्थ भाई आया, उसको 2 घूंट पानी की पिलाया, पिलाते बच्ची वहाँ एकदम तोड़ दिया, उसको लेकर आए, लेकर आते इन्होंने फिर ये बोला कि ये तो मृत हो गई, कि पानी पिलाने में नुकसान हो। ये क्लिनिक से कब छुट्टी मिली आपको? इसको 12 तारीख 12 तारीख शाम को 7 बजे। क्या नाम है बच्ची का? जो कनक, कनक पंडित। कितने साल की है? 4 साल। 4 साल की। अब अभी उनसे बात करी, उन्होंने क्या कहा? हम गए थे मैं कि सर ये है, आज उसके की वो है बैठक है, हम उसकी है ना फोटेज है ना देखना चाहते हैं, क्योंकि वो मेरी पोती ने बताया था जब मैं यहाँ से जा रहा था ब्यावर दाग करके कि पापा इसके यहाँ खून आ रहा था, तो आप मेरे पास वो भी है जो हमने उसको जेलेन में भर्ती कराई थी 13 नवंबर की, कहीं भी खून नहीं है, आप उसको भी यानी कि चेक कर सकते हो। अब आगे क्या कार्रवाई करेंगे? अब हम तो ये कहेंगे हमारे को न्याय चाहिए। जो आदमी ऐसे बच्ची को, छोटे बच्चे को मारता उस हॉस्पिटल में, और ऐसे जो सीरा मारता है, इसका मतलब है कि उसने उसने बच्चे का मर्डर करा। कि उन विनोद और उसके साथ जितने भी थे 302 लगे उन, बस हमको हमारी बच्ची को, उन्होंने जान से मारा उसको। हॉस्पिटल का नाम जैकलिन हॉस्पिटल। ब्यावर शहर में राजस्थान का पहला विश्व स्तरीय अमेरिका, जापान, जर्मन की मशीनों द्वारा आंखों की जांच, मोतियाबिंद के ऑपरेशन डॉक्टर मौर्य आंखों के अस्पताल में किए जाते हैं। जर्मन की लेजर मशीन से आंखों के लेंस की सफाई एवं काला पानी की जांच की जाती है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन एल्पिस माइक्रोफेको तकनीक द्वारा बिना चीरा, बिना टांका, बिना सुई के ट्रॉपिकल से फोर्डेबल, मोनोफोकल से मल्टीफोकल एवं टॉरिक लेंस प्रत्यारोपित किए जाते हैं। मिलने का स्थान ओपीडी, सोमवार से शनिवार सुबह 9:30 से 1 बजे तक। तो पता नोट कीजिए, डॉक्टर मौर्य आंखों का अस्पताल, मोतियाबिंद स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। डॉक्टर मौर्य आंखों का अस्पताल, अजगर बाबा थान के पास, सेंद्रा रोड, ब्यावर। डॉक्टर मौर्य MS फेको सर्जन, 9 गोकुल नगर, कटारिया कॉलोनी के पास, गणेशपुरा रोड, ब्यावर। मोबाइल नंबर 94142-64461।